नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्तार अंसारी के करीबियों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी तनु अंसारी, विक्रम अग्निहर और गणेश मिश्रा से लगातार पूछताछ करेगी और जानकारी भी मिल रही है कि इनके संपत्ति पर लगातार कुर्की भी की जा रही है। आपको बता दें कि अंसारी की तलाश में देश भर में छापेमारी की जा रही है। ईडी अंसारी के तलाश में यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा में लगातार छापेमारी कर रही है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मामला है, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबियों से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी तनु अंसारी, विक्रम अग्रहर और गणेश मिश्रा से भी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल उनके ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि अंसारी की तलाश में देश भर में ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी अंसारी की तलाश में यूपी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, हैदराबाद हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा में लगातार छापेमारी कर रही है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्तार अंसारी के करीबियों से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और इसके अलावा जानकारी भी मिल रही है कि जो भी करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। ईडी तनु अंसारी, विक्रम अग्रहर और गणेश मिश्रा से भी पूछताछ करेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अंसारी की तलाश में देश भर में छापेमारी लगातार की जा रही है। ईडी अंसारी की तलाश में यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा में छापेमारी कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उनके करीबियों से भी लगातार पूछताछ होगी। इससे पहले हमने देखा था कि जो भी उसके करीबी हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बता रहे आपको कि मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं इनसे ईडी इसलिए पूछताछ कर रही है, जो करीबी है तनु अंसारी, विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा, इनसे ईडी पूछताछ कर रही है। उनकी तलाश में देश भर में छापेमारी हो रही है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, गोवा जैसे राज्य में मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं या जो उनके जितने भी सहयोगी हैं या उनके जितने भी पहचान वाले हैं उन सबकी ईडी पूछताछ करके उनसे छापेमारी कर रही है। तो पहले उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी आपको दो दिन पहले न्यूज़ में दिखाया था कि डालियाबाद स्थित जो है मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं अफजल अंसारी, उनके यहाँ छापा मारा गया था। जब उनके छापा मारा गया तो वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात थी, लेकिन मीडिया को कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। जबकि वो 24 घंटे से ज्यादा वहाँ पर पूछताछ छापेमारी चलती रही। सुबह 5 बजे तक छापेमारी चली है, यानी कि रात सुबह 11 से लेकर के उसके दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक छापेमारी चली। उसके बाद ईडी ने क्या दस्तावेज संभाले, ईडी को कौन से डॉक्यूमेंट मिले, किस बात का लेन देन था, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया और मीडिया को अब तक कुछ भी रिएक्शन वहाँ के अधिकारियों ने नहीं दिया है। और इस मामले में लगातार जो जानकारी मिल रही है कि जो करीबी है उनसे पूछताछ भी जल्द शुरू हो सकती है, कब तक पूछताछ शुरू होगी और जो छापेमारी की गई है उसमें किस तरह के खुलासे हुए हैं अब तक, ऐसी कोई जानकारी? जो पूछताछ चल रही है उसमें कई स्टेट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है अपना, पश्चिम बंगाल है और उत्तराखंड है, पंजाब है, इन सब चीजों पर, इन सब स्टेटों में ईडी से पूछताछ कर रही है, खंगाल रही है। तो दस्तावेज उनके करीबी अगर तनु मिश्रा है, बलो चक्रवी है, ये सब मुख्तार अंसारी के जो कंपनी थी इनकी, इस कंपनी के ये लोग कहीं ना कहीं जो है सदस्य बताए जा रहे हैं और इन कंपनियों का जो है जो लेन देन का जो काम होता था, जो अवैध संपत्ति है वो कहीं ना कहीं ईडी के टारगेट पर है इनके। ईडी को ये लगता है कि शायद इनके पास अवैध संपत्ति इनके पास हो सकती है और कुछ ऐसी अच्छी संपत्ति हासिल हो सकती है, कुछ ऐसे दस्तावेज हासिल हो सकते हैं जो ईडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए ईडी अब तक कोई भी रिएक्शन मीडिया को नहीं दे रही है, लेकिन छापेमारी लगातार चल रही है, अभी और छापेमारी चलेगी। लखनऊ का एक पूरा मामला जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर छापेमारी की जा रही है, पूछताछ भी शुरू हो चुकी है लेकिन अब तक कोई खुलासा ईडी की तरफ से नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। श्रावस्ती में एक व्यापारी की कार अनियंत्रित हो गई और व्यापारी कार सहित नहर के गहरे पानी में जा पहुंचा। कार नहर में गिरते ही आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर कार को नहर से बाहर निकलवाया, लेकिन कार में सवार व्यापारी नहीं मिल सका। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से 12 घंटे बीतने के बाद व्यापारी का शव गोंडा जिले के एक नहर से बरामद किया गया है।
उधर श्रावस्ती में 70वीं अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता में पुरुष और महिला टीमें शामिल हो रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने किया। ये फुटबॉल प्रतियोगिता 21 से 24 अगस्त तक पुलिस लाइन में चल रही है। प्रतियोगिता का पहला मैच बहराइच और सिद्धार्थनगर जिले के बीच खेला गया। इस प्रतियोगिता में श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर की टीमें शामिल हुई। राजस्थान के जालौर में एक दलित बच्चे की मौत पर उत्तर प्रदेश के दलित समाज भी उबाल में है। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े दलित समाज के लोगों ने राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीएसपी, सपा सहित कई अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े दलित समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। पार्क में बने मंच से दलित समाज के नेताओं ने दलितों के साथ किए जा रहे अत्याचार पर रोष जताया। दरअसल हाल ही में राजस्थान के जालौर में एक शिक्षक द्वारा घड़े में पानी पीने पर इंद्र कुमार मेघवाल नाम के छात्र की पिटाई से मौत हो गई और उसके बाद दलित समाज में गुस्सा है, जिसके कारण देश भर में दलित समाज राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज ये राजस्थान के जनपद जालौर में जो एक दलित छात्र की केवल पानी पीने को लेकर जो निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में आज ये शांतिपूर्ण ज्ञापन देने का आज का कार्यक्रम है। हम ये मांग करना चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि इस तरह के आज दिन राजस्थान में दलितों के साथ चाहे मूछ रखने की बात हो या घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की बात हो या एक बच्चे मासूम बच्चे के पानी पीने की बात हो, इस तरह की घटना आए दिन होती है, इस तरह की घटनाओं पर बिल्कुल अंकुश लगे। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन इलाके के महाराणा प्रताप चौक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां रिक्शा में बैठने को लेकर होमगार्ड द्वारा ई चालक से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। ई रिक्शा चालक से मारपीट की घटना का संज्ञान होमगार्डों के डिस्ट्रिक्ट कमांडर चंदन सिंह द्वारा लिया गया है। पूरे प्रकरण को लेकर मामले में जांच के लिए एक अधिकारी को जांच सौंपी गई है। वहीं जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी होमगार्ड के ऊपर कार्रवाई का आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया है। कल रात में सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से एक खबर आ रही थी, जिसके द्वारा एक होमगार्ड के द्वारा एक ऑटो रिक्शा के चालक को मारपीट की गई थी, जिसकी जांच की गई तो पाया गया कि एक पीआरडी कर्मचारी द्वारा रिक्शा चालक की मारपीट की गई थी, तो उस प्यारी कर्मी को यातायात पुलिस की ड्यूटी से हटा दिया। जो अभी हम अपने अधीनस्थों से जो सूचना प्राप्त किए हैं, उससे आनंदपाल नाम के एक गार्ड हैं जिनके द्वारा लोको सेट पुल के पास ये जो रिक्शा चालक मऊ के हथनी ग्राम में नाले के विवाद को लेकर गोली चल गई, जिसमें राम मुनीश यादव, जिसकी उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है, उसको गोली लगी है। आनंद फानन में युवक को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। कई थानों की फोर्स भी घटनास्थल पर मौजूद बताई जा रही है। ये थाना सराय लखनसी के ग्राम अधिनी का मामला है। यहाँ गाँव की आपसी गुटबाजी को लेकर राम मुनीश यादव को गोली मारी है। उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उनकी आगे की कार्रवाई पंचायतनामा पोस्टमार्टम की करवाई जा रही है और जिन लोगों ने ये घटना कारित किया है वो लोग चिन्हीकृत हो चुके हैं। उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए बताया गया है और हम सारे लोग इस कार्य में। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने दिल्ली की आपकी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। दरअसल जब से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है, उसी समय से उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के स्थान पर लोग अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद से भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर मोर्चा खोल दिया। इस पर जवाब देते हुए योगी सरकार के पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया तो जांच से क्या घबराना, जांच एक प्रक्रिया है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। वहीं उन्होंने शिवपाल यादव द्वारा जारी किए गए उस लेटर का भी जवाब दिया, जिसमें शिवपाल ने अखिलेश यादव की तुलना कंस से की है।
अपने पिताजी के साथ माननीय मुलायम सिंह जी के साथ किया, तो उसका पीड़ा शिवपाल जी को है, वो अनेकों अवसरों पर उस पीड़ा कहीं ना कहीं दर्शाते रहते हैं। तो ये उनके परिवार का विषय है और परिवार को संभालना उनकी जिम्मेवारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे संभालने में नाकाम रहे हैं। और यही पीड़ा शिवपाल जी ने बार बार उनके पत्रों के माध्यम से बार बार स्पष्ट होती है। उधर एक पॉइंट उन्होंने रखा था, उन्होंने कहा यदुवंशियों के कंस हैं ये इस जमाने के। मैंने कहा नहीं, उनके मन के जो भाव हैं, जो पीड़ा है, वो उन्होंने प्रदर्शित उसमें की है। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो की जगह पर अब केजरीवाल को देखने लगे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट घबरा गई और सीबीआई पुलाव पकाने में कोई बुराई तो है नहीं। मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में हादसे के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम एसएसपी और नगर आयुक्त पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त बांकी बिहारी मंदिर में अधिकारी परिजनों के साथ दर्शन करने और मोबाइल से वीडियो बनाने में मस्त थे। साथ ही आरोप है कि निकासी गेट से वीआईपी एंट्री हो रही थी। हादसे को लेकर उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है। अमेठी के गुलाबगंज में व्यक्ति की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों की एक मांग पूरी हुई है। विवादित जमीन पर बनाई गई दीवार पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों ने निर्माणाधीन दीवार को गिराने की मांग उठाई थी। परिजनों ने काफी मान मनोबल के बाद अंतिम संस्कार करते हुए राजी हुए। कल यहाँ पे घटना घटी थी जिसमें कि पटीदारी में ही आपस में एक आबादी की ज़मीन को लेकर के विवाद हो गया था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उस घटना में। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे आकर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई, उनसे मैं मिला हूँ। उन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं जो उनको लगता है कि पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया, तो उन सारे पहलुओं को लेकर के हम लोग जाँच भी करेंगे। जो दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। जाँच टीम पर घटी जाएगी? जांच टीम तो गठित ही है और एसपी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और एसपी साहब के मतलब प्रवेक्षण में सब हो रहा है, तो ये तो कार्रवाई हो ही रही है। और जो इसमें आरोपी थे तो उसमें चार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो पुलिस एंगल से जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंद में एक भैंस को डंडा मारना युवक को भारी पड़ गया। गुस्साई भैंस युवक की जान का दुश्मन बन गया। भैंस के डर से युवक जान बचाने को पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद जैसे युवक पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता, भैंस उसका दुश्मन बन जाता। युवक 3 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा और ये जद्दोजहद जारी रही। जब ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तब जाकर युवक की जान बच पाई। सोशल मीडिया पर ये युवक काफी वायरल हो रहा है। कासगंज कोतवाली के यादव नगर में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े रिटायर्ड प्रधानाचार्य को गोली मार दी। गोली लगने से रिटायर्ड प्रधानाचार्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। रिटायर्ड प्रिंसिपल पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। लखनऊ में इंसाफ के लिए एक महिला दर दर भटक रही है। महिला का आरोप है कि उसके ननद ने अपने भाई के घर पर धोखे से कब्जा कर लिया। साथ ही महिला का आरोप है कि यह स्थानीय चौकी की मिलीभगत से हुआ है। महिला ने आरोप लगाया कि लेखराज चौकी इंचार्ज लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं, साथ ही चौकी इंचार्ज पीड़ितों पर फर्जी मुकदमा लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। महिला के ननद बाहर के गुंडे बुलाकर भाई और भाभी को पिटवाती है। इसके बाद पीड़िता पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उल्टा मुकदमे की धमकी देती है। इसको लेकर पीड़िता का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पीड़िता के पति लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लखनऊ में महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इधर लखनऊ कमिश्नर एसपी शिरडकर खाकी वर्दी की छवि बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ पुलिस चौकी इंचार्ज इसे धूमिल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के ऊपर अभद्रता करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मवैया चौकी इंचार्ज पर आरोप है
कि उसने महिला के साथ अभद्रता की है और वीडियो भी वायरल हो रहा है। आलमबाग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।